नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। गुरुवार को पंजाब का मोहाली स्टेडियम धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के छक्कों से गूंज उठा था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मैच में क्रिस गेल ने 11 छक्के जड़े थे और IPL 11 का पहला शतक ठोक दिया था। गेल के इन कहर बरपाते शॉट्स का शिकार सबसे ज्यादा अफगान गेंदबाज राशिद खान बने। ऐसा लग रहा था लंबे लंबे छक्के लगा रहे क्रिस गेल राशिद खान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल मैच के दौरान अपना दूसरा ओवर फेंक रहे राशिद खान ने गेल के बल्ले से लगे एक शॉट को फॉलो थ्रू में रोक कर गेल की ओर दे मारा। हालांकि तब तक क्रिस गेल अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। इसी ओवर में राशिद को KL राहुल का विकेट भी मिल गया था। इस ओवर के बाद 14वां ओवर लेकर फिर राशिद खान आए और इस बार फिर सामने थे क्रिस गेल। इस ओवर में क्रिस गेल ने 4 छक्के जड़े और इस ओवर में कुल 27 रन जुटाए। ये गेल का कहर ही था कि राशिद खान के लिए यह IPL का सबसे महंगा स्पेल साबित हुआ और उन्होंने 4 ओवर में 55 रन जुटा दिए। गेल के शतक की वजह से किंग्स 11 पंजाब ने इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 15 रन से हरा दिया। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और NMF न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।